हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। टुडे वी स्टार्ट अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड वी डिस्कस सम बेसिक टर्म्स अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स व्हेन फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस। ओके, अलग अलग पेरेंट्स होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, और जो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं उनके फ्यूजन से एक नई प्रोजेनी बनती है। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट इज टर्म्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ये सिंपल डेफिनेशन है। अब उसके बाद में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कुछ इवेंट्स होते हैं, उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर एक होता है फर्टिलाइजेशन, और एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आज हम सबसे पहले यहाँ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के जितने भी टॉपिक हैं या उसमें जो टर्म्स आती हैं उनको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी तो हमने कहा था फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट यदि होना है तो फ्यूजन ऑफ गैमेट से पहले क्या होना है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है गैमेट फॉर्मेशन, यानी जो मेल और फीमेल पेरेंट बॉडी होती है उनमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो गैमेट फॉर्मेशन को हम जो टर्म देते हैं स्टूडेंट वो होती है गैमेटोजिनेसिस। देखिए, जिनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, और गैमेटो मीन्स गैमेट, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज टर्म्ड एज गैमेटोजिनेसिस। अब गैमेटोजिनेसिस को यदि हम टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो देखिए, गैमेट्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड के बनते हैं हमारे अंदर। एक होता है मेल गैमेट और एक होता है फीमेल गैमेट। तो स्टूडेंट, जो मेल गैमेट होता है उसका नाम होता है स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट होता है उसका नाम होता है ओवम और एग। तो यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, पहला टाइप ये हो गया गैमेटोजेनेसिस का। और इसके दूसरे टाइप की बात करें हम कि गैमेटोजेनेसिस का दूसरा पार्ट क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग, इट इज टर्म्ड एज ओजिनेसिस। ओके, तो सिंपल से डेफिनेशन है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज टर्म्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम इज टर्म्ड एज ओजिनेसिस। तो ये था हमारा अबाउट गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस। इट इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट और टू टाइप, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजिनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इज टर्म्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इज टर्म्ड एज ओजिनेसिस। ओके, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज होमोगैमेट्स एंड हेट्रोगैमेट। इन दोनों टर्म का मीनिंग क्या है स्टूडेंट? तो यहाँ पर देखिए, ये गैमेट फॉर्मेशन तो हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम बात करते हैं अबाउट टाइप ऑफ गैमेट्स, कि जो गैमेट्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो हमने यहाँ पर दो कैटेगरी बनाई है, होमोगैमेट्स एंड हेट्रोगैमेट्स। तो सबसे पहले होमोगैमेट की बात करें। देखो, होमोगैमेट्स नाम में मीनिंग है, होमोगैमेट्स मीन्स कि जो दोनों गैमेट्स बनते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, तो होमोगैमेट्स का मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ सेम गैमेट्स। वहां पर दोनों की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है, आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो इस टाइप के गैमेट्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, होमोगैमेट्स। ओके, अब हम आते हैं हेट्रोगैमेट्स पे। हेट्रो नाम में ही मीनिंग है कि हेट्रोगैमेट्स का मीनिंग क्या होगा। तो हेट्रोगैमेट्स का मीनिंग होता है स्टूडेंट कि फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स, यानी जो गैमेट्स बनेंगे वो दोनों अलग अलग मॉर्फोलॉजी होगी दोनों की। और अभी जो हेट्रोगैमेट बने ये डिफरेंट काइंड है, दोनों सेम नहीं है। अब हो सकता है इसमें दोनों ही मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो, लेकिन अधिकतर क्या होता है, जो हेट्रोगैमेट बनते हैं इसमें एक मोटाइल होता है और दूसरा नॉन मोटाइल होता है। तो स्टूडेंट, जो मेनली मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, और जो फीमेल गैमेट होता है वो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। ओके, अब ये पूछा जाए कि इनकी मॉर्फोलॉजी कैसे डिफर होती है। तो ऑलमोस्ट जो मेल गैमेट होता है ना वो साइज में स्मॉल होता है, और जो फीमेल गैमेट होता है वो लार्ज होता है। अब नाम क्या दिए जाए इनको, तो देखो, नाम देने के लिए आप ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे अंदर जो हेट्रोगैमेट है
उसमें जो मेल गैमिट है उसका नाम होता है स्पर्म। और यदि आप ब्रायोफाइट्स की तरफ जाते हैं, प्लांट्स की बात करो, तो वहां पर उसको नाम दिया जाता है एंथ्रेजॉइड्स। ओके, और जो फीमेल है गैमेट, उसका नाम होता है हमेशा एग और ओवम। ओके, तो ये था अबाउट हेटरोगैमेट्स, टाइप ऑफ गैमेट्स, होमोगैमेट्स एंड हेटरोगैमेट्स। अब हम जो नेक्स्ट टर्म है हमारी उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज होमोथेलिक एंड हेटरोथेलिक। ये किसके लिए टर्म यूज होती है स्टूडेंट? तो देखो कुछ एग्जांपल लिखे मैंने होमोथेलिक और हेटरोथेलिक के लिए। यहाँ पर क्या मीनिंग होता है होमोथेलिक और हेटरोथेलिक का? तो देखो अब मार्केशिया का एग्जांपल लो। मार्केशिया 11th क्लास में पढ़ा था हमने कि उसमें जो थेलस होता है मार्केशिया का, उसमें दोनों थेलस पर अलग अलग, यानी जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, दोनों अलग अलग थेलस होते हैं, वो अलग अलग गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं स्टूडेंट? हेटरोथेलिक। होमोथेलिक का मीनिंग क्या होता है कि जब एक सिंगल थैलस या सिंगल ऑर्गेनिज्म दोनों टाइप के मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? होमोथेलिक। तो इससे एक टर्म और बन जाती है, इसके एग्जांपल है होमोथेलिक के कोकोनट एंड कारा। ओके, और जो हेटरोथेलिक होता है इसका मीनिंग ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं करता मेल और फीमेल, इसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म या अलग अलग थेलस होते हैं वो मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ एग्जांपल होगा पपाया और मार्केशिया। अब इसके लिए हम एक टर्म और यूज कर सकते हैं HMB। ये टर्म 11th क्लास में बार बार आती है, इसका मीनिंग होता है हर्मोफ्रोडाइट मोनोशियस और बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मीनिंग क्या होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म जब दोनों तरह के गैमेट प्रोड्यूस करें। तो यहाँ पर होमोथेलिक के लिए भी मैंने यही बात कही। होमोथेलिक के लिए मैंने बोला कि एक ऑर्गेनिज्म या एक थेलस है वो दोनों तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैं इसको क्या नाम दे सकती हूँ यहाँ पे? मोनोशियस। ओके, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस डिफरेंट गैमेट्स, देन वी टर्म एज हेटरोथेलिक और डायोशियस। ओके, तो आई थिंक ये टर्म क्लियर हुई होगी आपको। HMB से आप अच्छी तरह समझ सकते हो हर्मोफ्रोडाइट मोनोशियस एंड बाइसेक्सुअल। तो यहाँ पर इसके लिए एक अनदर टर्म यूज हो रही है, दैट इज होमोथेलिक एंड हेटरोथेलिक फॉर डायोशियस। ओके, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ फ्लावर। स्टूडेंट वी नो देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, दैट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पर हम टाइप्स की बात करें तो हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, नाम में मीनिंग है, देखो यूनि मीन्स सिंगल, बाई मीन्स टू। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मीनिंग है आइदर स्टेमन और पिस्टल, मीन्स कि जो फ्लावर होता है या तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या होता है? स्टेमन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या होता है? पिस्टल। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो स्टेमन होगा या फिर पिस्टल होगा। लेकिन जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं स्टूडेंट, उसमें बोथ स्टेमन एंड पिस्टल आर प्रेजेंट, बोथ स्टेमन एंड पिस्टल आर प्रेजेंट, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर का मीनिंग। अब इसी से ही ये टर्म बनी है हमारी, स्टेमिनेट फ्लावर एंड पिस्टिलेट फ्लावर। देखो क्या मीनिंग हुआ, वो फ्लावर जिसमें स्टेमन है, ओनली स्टेमन है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करेंगे हम यहाँ पर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जो सिंगल सेक्स प्रेजेंट है दैट इज स्टेमन, दोज फ्लावर आर नोन एज स्टेमिनेट। ओके, एंड द फ्लावर दैट कंटेन ओनली पिस्टिल, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यूनिसेक्सुअल ये भी है लेकिन कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है? फीमेल। तो उसका नाम हम क्या देते हैं स्टूडेंट? पिस्टिलेट फ्लावर। ओके, तो आई थिंक ये टर्म क्लियर हुई होगी। अब हमने इवेंट कौन से चल रहे हैं हमारे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेट फॉर्मेशन पढ़ा, फिर हमने उसके टाइप पढ़े हैं और उसके बाद कुछ टर्म्स और डिस्कस करिए। अभी इसी लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में
सेल डिवीजन और गैमेट ट्रांसफर भी आता है, क्योंकि गैमेट बनेंगे और उनका ट्रांसफर जो होगा ना वो इवेंट भी किसमें इंक्लूड होगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो उसके बाद हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अभी इस लेक्चर में स्टूडेंट आइए देखते हैं अबाउट सेल डिवीजन एंड गैमेट ट्रांसफर। ओके, तो स्टूडेंट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारा एक टॉपिक और है सेल डिवीजन एंड गैमेट ट्रांसफर। देखिए स्टूडेंट, जब गैमेट बनेंगे तो ऑब्वियस है सेल डिवीजन होगा। गैमेट का फॉर्मेशन किसी ना किसी तरह के सेल डिवीजन से होगा। तो हमें ये पढ़ना है कि जब गैमेट बनते हैं तो कौन सी सेल्स पार्टिसिपेशन करती है, उनका नाम क्या होता है, टाइप ऑफ सेल डिवीजन कौन सा होता है। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले ये ध्यान रखना है हमें कि जो भी गैमेट्स बनते हैं ना वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है एन सिचुएशन, मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन हाफ। तो हम बात करें कि जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ, तो गैमेट फॉर्मेशन जब हमारे अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है उस वक्त गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है ना, तो उस वक्त कुछ पर्टिकुलर सेल्स गैमेट फॉर्मेशन का ना स्टार्ट करती है। तो जो गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट करती है उनको हम कहते हैं मियोसाइट्स, और उनका दूसरा नाम है GMC, मीन्स गैमेट मदर सेल, यानी दो सेल्स दैट टेक पार्ट और अंडरगो मियोटिक डिवीजन इज टर्म्ड एज गैमेट मदर सेल। मीन्स वो सेल जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया गैमेट फॉर्मेशन के लिए और उन्होंने मियोसिस परफॉर्म किया, उसका नाम हम क्या देते हैं, मियोसाइट्स या फिर GMC, गैमेट मदर सेल। अब जो गैमेट मदर सेल है, सपोज ये है, ये तो डिप्लॉयड होती है, इसकी प्लॉयडी की बात करें तो ये तो खुद तो डिप्लॉयड है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें 12 है। लेकिन जब ये मियोटिक डिवीजन परफॉर्म करती है, तो मियोटिक डिवीजन परफॉर्म करने से जो सेल बनती है हमारे पास या जो गैमेट्स बनते हैं वो कौन से बनते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी होता है कि हैप्लॉइड गैमेट्स ही क्यों बनाना होता है, क्योंकि स्टूडेंट आगे जब आप फर्टिलाइजेशन पढ़ोगे तो हमें फ्यूजन ऑफ गैमेट शो करना है। यदि गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं हुए, 2n ही रहे, तो वहां तो फ्यूजन होकर प्लॉयडी है ना वो टेट्राप्लॉयड हो जाएगी, मीन्स 2n + 2n = 4n। और यही प्रोसेसर आगे चला तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो DNA है ना उनको रखने के लिए हमारे पास सेल नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक ऑटोमेटिक प्रोवाइड प्रोसेसर है हमारी बॉडी में कि जो गैमेट्स होते हैं ना उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ ही होते हैं। ओके, तो हाफ होने के लिए डिवीजन कौन सा हुआ, मियोटिक डिवीजन। यानी एक सेल से मैं बात करूं तो कितने गैमेट्स बन जाते हैं या कितनी सेल्स प्रोड्यूस होती है, मेनली 4 होती है। ओके, अब होता है इसके बाद में गैमेट ट्रांसफर, कि ये गैमेट्स तो बन गए, इनका डिटेल जो व्यू है ना वो थर्ड चैप्टर में आता है जब हम पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। अब स्टूडेंट गैमेट ट्रांसफर मींस हमारे गैमेट्स बन गए, यहाँ पर मेल गैमेट भी बन गया और फीमेल गैमेट भी बन गया, दोनों तैयार है। ठीक है, लेकिन अब इनका ट्रांसफर होना जरूरी है, क्योंकि फ्यूजन के लिए हमें ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंज चाहिएंगे जिससे कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में एक दूसरे के क्लोज एसोसिएशन में आए। ओके, तो यहां बात की जाए तो मेनली जो मेल होता है वो मोटाइल होता है। अभी पहले ही बताया आपको कि मेल जो होता है ना वो मोटाइल होता है और जो फीमेल होता है ऑलमोस्ट वो क्या होता है, स्टैटिक, मींस कि वो नॉन मोटाइल होता है। ओके, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जहां पर दोनों ही मोटाइल हो सकते हैं। ओके, लेकिन जहां पर एक मोटाइल है और एक नॉन मोटाइल है, ब्रायोफाइट्स की भी बात कर लो आप, 11th क्लास का टॉपिक था हमारा ब्रायोफाइट्स, इनको एम्फीबियन कहा था क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट थी, वाटर की। तो वहां पे जो एंथ्रेजॉइट्स थे वो किसके थ्रू मूव कर रहे थे, वाटर के थ्रू, और किसके पास पहुंच रहे थे, आर्किगोनियम के पास में। ओके, तो मीडियम की रिक्वायरमेंट वहां भी थी। अब आप ह्यूमन बीइंग की बात करो तो वहां भी गैमेट ट्रांसफर होंगे, यानी मेल गैमेट फीमेल के पास ट्रांसफर होगा तो उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, और वो उस मीडियम से मूव करके फीमेल गैमेट से फ्यूजन शो करेगा। ये तो हुई आप ऑर्गेनिज्म की बात, यानी हमने ब्रायोफाइट्स की बात की और यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की बात की। अब यदि हम फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स में भी हम टर्म यूज करते हैं, दैट इज पॉलिनेशन। भाई वहां तो दोनों ही नॉन मोटाइल है, ना पोलन ग्रेन मूव करते हैं ना ही ओवम मूव करता है, यहाँ तो एक तो मोटाइल है, तो वहां पर क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, कि जो पोलन्स होंगे ना वो लैंड होंगे और वो कहाँ से जाएंगे, एंथर से स्टिग्मा पर। तो वहां पर हमारे को क्या रिक्वायरमेंट होगी, पॉलिनेटिंग एजेंट की, यानी मीडियम वहां भी रिक्वायर होगा हमें, क्योंकि वो तो दोनों ही नॉन मोटाइल है,
तो उसको कैरी करने के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायर होगी। ओके तो ये था अबाउट हमारा गैमेट ट्रांसफर कि गैमेट्स बन गए उनका ट्रांसफर कैसे होगा। तो स्टूडेंट अब यदि गैमेट ट्रांसफर हो ही गए तो अब कौन सा इवेंट होगा इसके बाद में, फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा। ओके तो स्टूडेंट उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। आई होप ये लेक्चर पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।